नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में हो गया बड़ा खेल। देखिए, शुरुआती सत्र में तो ऐसा अटैक आया था, आउट ऑफ सिलेबस बिकवाली आ गई थी। हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतने भयंकर तरीके से टूटेंगे। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 70 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट हो सकती है, लेकिन बाजार खुला 19,383 के लेवल पे। इसी को हाई बनाया, उसके बाद जो अटैक आया 19,257 का लो लग गया। कांप रहे थे शुरुआती सत्र में, इक्के दुक्के स्टॉक्स थे जो चल रहे थे, बाकी लालम लाल, पूरी स्क्रीन लाल। ऐसा क्या हो गया? मार्केट में सभी आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स टूट रहे थे अक्रॉस द बोर्ड, सब सेक्टर्स में एकदम से बिकवाली हावी हो गई, बहुत ही इक्के दुक्के स्टॉक्स चल रहे थे। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पिकअप करना शुरू किया और इतनी तगड़ी शानदार रिकवरी आई है। 19,465 के लेवल पे हाई लग गया और क्लोजिंग आई 19,434 के लेवल की, 6 पॉइंट्स बढ़त के साथ निफ्टी क्लोज टू क्लोज बंद हुआ है। लेकिन ये सही पिक्चर नहीं है, सही पिक्चर है आज रिकवरी की। निचले स्तरों से संभल गए, बहुत ही तगड़ी रिकवरी। निफ्टी बैंक 44,090 के लेवल पे बंद हुआ है 108 अंक गवाकर, लेकिन रिकवरी शानदार थी। और सेंसेक्स 79 अंकों की बढ़त के साथ 65,401 के लेवल पे बंद हुआ है, रिकवरी यहां पर थी। रिकवरी जो बार बार कह रहा हूं उसमें निफ्टी आज के दिन का लो है 19,257, क्लोजिंग आई है 19,434, 177 अंक निचले स्तरों से सुधर गया, यानी कि करीब करीब 1% के आसपास बैठता है। निफ्टी बैंक 43,776 का लो लग गया था, पलटी मारी 44,090 के लेवल की क्लोजिंग है 314 अंक के सुधार के साथ, यानी 0.1% के आसपास बैठता है। रिलेटिवली अंडर परफॉर्म कर रहे हैं बैंकिंग स्टॉक्स, ये तो पता ही है, लेकिन आज रिकवरी थी और बाजार संभल गया। नहीं तो अगर 19,200 के लेवल के नीचे पहुंच जाता तो उसके बाद तो हार्ट अटैक, ट्रेडर्स की बहुत बुरी हालत होती आज। एडवांस डिक्लाइंस 19 शेयर्स हरे निशान में, निफ्टी के 31 शेयर्स लाल निशान में बंद हुए हैं। लेकिन जो संभाले हुए था वो था बाजार का हैवी वेट रिलायंस इंडस्ट्रीज, इसके अलावा इन्फोसिस, आईसीआईसीआई, एचयूएल, एलएनटी, ये स्टॉक संभालने की कोशिश कर रहे थे, दबाव डाल रहा था एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडालको, बजाज फाइनेंस। लेकिन जो निफ्टी का टॉप गेनर बना उसमें था डिविस लैब्स, 0.2% चढ़ा, इन्फोसिस 1.5% चढ़ गया, एलटीआईएम 1.5% चढ़ गया, एचयूएल, रिलायंस का जोर था, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बहुत सपोर्ट कर दिया आज 1% तेज, और ये गिरते बाजार में पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव है रिलायंस, इसको ध्यान में रखिएगा। मंथ एंड में एजीएम भी होने वाली है। निफ्टी लूजर्स में अदानी एंटरप्राइजेस को पाएंगे आप। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स तो हवाई टाइट थी आज, रीजन आपको इस वीडियो में बताएंगे, शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। अदानी एंटरप्राइजेस पिटा 3.5% ज्यादा, अदानी पोर्ट्स 2% ज्यादा टूट गया। अदानी पोर्ट्स के तो ऑडिटर ही चले गए छोड़ के, डेलॉयट, नए ऑडिटर की नियुक्ति करनी पड़ गई। जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडालको, एसबीआई 2% से 2.5% हल्के होकर हुए हैं बंद। जो कमाल हो रहा था वायदा कारोबार पे, उस पे स्टॉक था पीवीआर आईनॉक्स, बाजार खुलते ही एकदम से एक्टिव हो गया था। रिकॉर्ड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस वीकेंड के दौरान दर्ज किए कंपनी ने, और ये बहुत पॉजिटिव है। गदर 2 और ओएमजी 2 दोनों को ही बहुत ही जबरदस्त रिस्पांस देखने को मिला, उसका इंपैक्ट पड़ गया आज स्टॉक पे 4.5% ऊपर। इसके अलावा एनएमडीसी रिजल्ट्स का इंपैक्ट था, 4.25% चढ़ गया। ट्रेंड, एचएएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये स्टॉक्स थे आज हरकत में। लेकिन आप ब्रॉडर मार्केट्स पे देखोगे तो कई स्टॉक्स आपको निचले स्तरों से पलटते हुए नजर आएंगे, पिक्चर वो है आज असली। एफएनओ लूजर में सिटी यूनियन बैंक 6% पिट गया, जेएसपीएल 5% से ज्यादा ढेर हो गया। मेटल्स का तो दिन था ही नहीं, बेहाल थे आज। स्टील अथॉरिटी 4.25% टूटा है। इसके अलावा मुथूट फाइनेंस रिजल्ट्स इंपैक्ट 5% नीचे बंद हुआ। चंबल फर्टिलाइजर 4% से ज्यादा टूट गया। अदानी ग्रुप के हालत क्यों टाइट थी आज स्टॉक्स की? अदानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट में सेबी को आज अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, 14 अगस्त डेडलाइन दी थी सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन हुआ ये कि जैसी बाजार शुरू हुआ तो कांपने लग गया अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, पर दिन में संभलते देखे, क्योंकि रिपोर्ट सौंपने के लिए सेबी ने 15 दिन का समय और मांग लिया सुप्रीम कोर्ट से। आज ये रिपोर्ट सौंपने का आखिरी दिन था, लेकिन अब 15 दिन बाद का समय, और सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 29 अगस्त को होगी। और हमने स्टॉक्स को शुरुआती सत्र में टूटते देखा था, उसके बाद लोअर एंड पर रिकवरी आ गई। लेकिन अगर ब्रॉडर पिक्चर देखेंगे तो अदानी एंटरप्राइज 3.5% ज्यादा टूटा है, अदानी पोर्ट्स 2% ज्यादा टूटा है, अदानी पार, अदानी विल्मर, अदानी ट्रांसमिशन सब टूटे हैं, अदानी टोटल गैस आज कोई स्टॉक है नहीं जो हरे निशान में हो। अंबुजा, एसीसी भी टूट गए 2.25% से 3.5%, एनडीटीवी भी कमजोर रहा। आईटी स्टॉक्स फ्लेवर में थे, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो चल रहे थे उसमें इंफोसिस 1.5% ऊपर, एलटीआईएम 1.5% ऊपर, एम्फोसिस 1.5% ज्यादा चढ़ा है। इसके अलावा परसिस्टेंट इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिली। एफएमसीजी दूसरा तबका था जहां खरीदारी हो रही थी, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर, एचयूएल, टाटा कंज्यूमर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन हेल्थ केयर और यूबीएल जैसे स्टॉक्स में खरीदारी। इसके अलावा डिफेंस परसेंटेज के लिहाज से जो तगड़ी चाल पकड़ी वो डिफेंस कंपनियों ने पकड़ी। गिरते स्टॉक्स पलटे जिसमें गार्डन रीच 12.5% चढ़ा है, मैसडॉक 7% चढ़ गया, कोची शिपयार्ड 6.5% चढ़ गया और जेनटेक 5% ऊपर फ्रीज हो गया। मेटल्स पे दबाव था, जेएसपीएल 5% लुढ़क गया। ये आम गिरावट नहीं थी आज, जो जिस तरह की गिरावट हुई है 5% स्टॉक नीचे, हिंद कॉपर 5% नीचे, स्टील अथॉरिटी 4% टूट गया, नालको, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडालको, टाटा स्टील 2% से 4% ढेर हो गए। जो चढ़े इसी स्पीच में उसमें एनएमडीसी था
4.5% ऊपर एपीएल अपोलो और रत्नामणि, इनमें हल्की खरीदारी होती हुई नजर आई। रियल्टी स्टॉक्स कमजोर थे, डीएलएफ 2.5% टूटा है, लोधा प्रेस्टी, ब्रिगेड, ओबेरॉय रियल्टी, शोभा, ये सब स्टॉक्स कमजोर थे। हेल्थ केयर स्टॉक्स की भी हालत टाइट थी, ग्रैन्यूल्स, मेट्रोपोलिस, पता लग रहा था मुनाफा वसूली देखने को मिल रही हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में, 2.25-3% हल्के हुए दोनों स्टॉक्स। इपका लैब्स, अपोलो हॉस्पिटल, जायडस लाइफ 1.5% से 2% टूट गए। लालपाथ, मैक्स हेल्थ, टॉरेंट फार्मा, सिप्ला 1.5% से 1.5% नीचे बंद हुए। पीएसयू बैंक्स में कहीं खुशी कहीं गम, लेकिन एसबीआई आज नहीं संभल पा रहा था, 2.25% टूट गया, कमजोर स्ट्रक्चर बन गया, बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है स्टॉक में। बैंक ऑफ बड़ौदा 2.25% टूटा, आईओबी, कैनरा बैंक भी 1% ज्यादा टूटे, लेकिन जो चढ़ गए ऐसी स्पेस में वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ इंडिया, पीएसबी, यूको बैंक, ये जो छोटे मझौले बैंक्स हैं पीएसयू बैंक्स, इनमें खरीदारी ज्यादा दिखाई देती है। प्राइवेट बैंक्स में भी मिक्स पिक्चर थी, जिसमें आरबीएल बैंक, आईसीआईसी बैंक, बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक चले, और निचले स्तरों से बहुत सारे स्टॉक्स आज पलटी मार रहे थे, जैसे कि आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक लोअर लेवल से पलट रहे थे, लेकिन जो गिरावट थी उसमें था सिटी यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक और एचडीएफसी बैंक, यहां पर दबाव देखने को मिल रहा था। फाइनेंशियल्स की वैसे हालत ठीक नहीं थी आज, मुथूट फाइनेंस 5.5% टूटा, एचडीएफसी एएमसी 3% टूटा, आईएक्स, बजाज फिनसर्व, आईसीआईसी जनरल इंश्योरेंस, ये सब स्टॉक्स 1.5% से 3% के आसपास टूटे। एसबीआई कार्ड, एलआईसी हाउसिंग, बजाज फाइनेंस 0.5% से 1.25% के आसपास टूटे। मिड कैप गेनर्स गिरते बाजार में कुछ आइडेंटिफाई हुए, जिसमें जॉनसन कंट्रोल, हिताची 11% ज्यादा चढ़ा है, पीटीसी इंडस्ट्रीज 9.5% चढ़ा है, इलेक्ट्रा कमाल कर गया, ये गिरता स्ट्रक्चर था पलट गया 9.5% की तेजी। डीबी रियल्टी 9% चढ़ा, एडलवेस 8% चढ़ा है, बॉम्बे डाइंग 7.5% चढ़ा है, एपकोटेक्स, जेबीएम ऑटो, ग्रेविटा, अंबर 5% से 7% का मूव था, रेट गेन, जेएनके बैंक 4.5% से 5% पॉजिटिव। मिड कैप लूजर्स में एमएसटीसी करीब करीब 11.5% टूटा है ये स्टॉक, नायका 8.25% टूटा है, नायका लगातार कमजोर स्ट्रक्चर, हिंदवेयर 8% तक टूटा, कारसेल 7% टूटा, फिनलेक्स केबल्स जो बहुत मजबूती शो कर रहा था सरेंडर कर गया अपने स्वरूप पर, थोड़ी मुनाफा वसूली होनी शुरू हुई है, 7.5% टूटा, एचओईसी 6% ज्यादा टूटा, वक्रांगी भी आज 6% टूटा। टीवीएस सप्लाई चेन का जो आईपीओ है वो आज बंद हुआ है, 2.84x भरकर ये बंद हुआ है, प्राइस बैंड 187 से 197 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था, 600 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू और 280 करोड़ रुपए का ओएफएस था, ओवर सब्सक्रिप्शन फिगर आ गए हैं। अब क्या होगा, पहले तो आप सभी व्यूअर्स को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, तो 15 अगस्त को भारतीय बाजार तो बंद रहेंगे, लेकिन हमारे बाजार डिपेंड करेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स के मूड माहौल के हिसाब से चलेंगे, और अमेरिकन मार्केट्स में फ्यूचर्स तो दिखा रहे हैं कि लोअर एंड से थोड़ी रिकवरी हो रही है, अगर ये टिक जाती है कल के सत्र में भी तो फिर हो सकता है कि बुधवार को हमारा भी पुल बैक सस्टेन हो, हमने आज पुल बैक शुरू किया है इंपॉर्टेंट लेवल से, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के मूड माहौल को देखना होगा, ऊपर से यूएस फेड की पिछली बैठक के मिनट्स जारी हो जाएंगे वेडनेसडे को, उनको देखना होगा, वो ऑब्वियसली हमारे बाजार बंद होने के बाद जारी होंगे, लेकिन उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। भारत में आज महंगाई के जो आंकड़े आए उन्होंने चौंका दिया है, किसी भी लिहाज से आरबीआई के किसी भी अनुमान से ज्यादा महंगाई हो गई है। जुलाई सीपीआई का जो आंकड़ा है वो है 7.44%, अनुमान था 6.4% का, ये 4.81% से बढ़कर महंगाई 7.44% हो गई है। अब आप समझ सकते हो इसी को कंट्रोल करना था, ये कंट्रोल ना हुई तो फिर दिक्कत पैदा होगी हो जाएगी, लेकिन आरबीआई पहले बोल चुका है कि महंगाई ऊपर रहेगी, पर ये आंकड़ा बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है 7.44%, ये अनुमान से ज्यादा हो गया, तो इसका इंपैक्ट पड़ेगा शुरुआती सत्र में, एटलीस्ट एक घंटे की ट्रेडिंग देखनी होगी, बर्दाश्त करनी होगी, उसके बाद देखते हैं कि बाजार पिकअप कर पाता है लोअर एंड से कि नहीं। लेकिन आज शानदार पुल बैक था, एक्सपेक्टेशन तो ये है कि पुल बैक होगा, और भी अब बुल्स और बीयर्स के बीच में तगड़ी लड़ाई होगी, क्योंकि एक तो हमने 19,250-19,300 के लेवल को होल्ड कर लिया, 19,300-19,400 की पुट में बहुत तगड़ी राइटिंग दिखाई देती है, ऊपर 19,500-19,600 की कॉल में बहुत तगड़ी राइटिंग दिखाई देती है, और ये ट्रंकेटेड हफ्ता है, तो दो ट्रेडिंग सेशन ही मिलेंगे वीकली एक्सपायरी के लिए, तो ऐसा लग रहा है बाजार 19,300 से 19,600 की रेंज पकड़ जाएगा, नीचे जाएंगे तो कॉन्ट्रा ट्रेड्स हो जाएंगे। अच्छा, एक और डेवलपमेंट है, आईटीसी में होटल कारोबार के डीमर्जर को मंजूरी मिल गई है, एक तो रिजल्ट्स अच्छे आए हुए हैं, ऊपर से आईटीसी बोर्ड ने होटल कारोबार के डीमर्जर को मंजूरी दी है, होगा ये कि आईटीसी के 10 शेयरों पर आईटीसी होटल्स का एक शेयर मिलेगा और आईटीसी होटल्स को अलग से लिस्ट कराएगी कंपनी, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए पॉजिटिव बात होगी। अब देखते हैं कि शॉर्ट टर्म में शेयर कैसे इंपैक्ट करता है, लेकिन ओवरऑल बाजार का स्ट्रक्चर आज एक पुलबैक का स्ट्रक्चर मिला, बस ये झटका महंगाई का लग गया, तो इसको देखते हैं कि कैसे बाजार फैक्टर इन करता है। अभी फिलहाल अगर आपको चाहिए कि एग्जैक्टली कौन से लेवल्स हैं निफ्टी और निफ्टी बैंक के जिसको देखकर आप ट्रेड सेटअप कर सकते हो, और साथ साथ एफआईएसडीएस की एक्टिविटी, ऑप्शंस का पूरा डेटा, पुट कॉल रेशियो निफ्टी निफ्टी बैंक का,
ऊपर से इंटरनेशनल मार्केट्स के डेवलपमेंट, स्टॉक स्पेसिफिक खबरें, तो वो मिलेंगी आपको एक मॉर्निंग न्यूज़लेटर में जो कि बिजतक कम्युनिटी पेज पर शेयर होता है, लेकिन एक्सेसिबल सिर्फ प्रीमियम क्लाइंट्स को होता है। तीन कैटेगरी के प्लान्स बिजतक ने लॉन्च कर रखे हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिसकी जानकारी आपको बिजतक के होम पेज पर यूट्यूब पर मिल जाएगी। लेकिन ये जो प्लान्स हैं सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम की कॉस्टिंग रखी गई है 159, 299, 599 पर मंथ रिस्पेक्टिवली। ढेर सारे फीचर्स हैं, एक तो मॉर्निंग ओपनिंग में न्यूज़लेटर बाजार खुलने से पहले ही आपको मिलेगा, ऊपर से अगर आप कोई भी सवाल पूछते हो तो आपके सवालों को लाइव शो में पहले एड्रेस किया जाएगा। इसके अलावा गोल्ड और प्लैटिनम हायर ग्रेड प्लान्स हैं जिसमें वीकली न्यूज़लेटर की सुविधा है, और साथ ही साथ बिज चैट के माध्यम से आप बिज तक के एंकर्स और बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हो स्पेशल शोज में। प्लैटिनम हाईएस्ट ग्रेड प्लान है जिसमें पोर्टफोलियो डॉक्टर की सुविधा है, साथ ही तक का कोई भी इवेंट होता है तो आपको एक्सक्लूसिव लाउंज एक्सेस मिलेगा और क्वार्टरली वेबिनार में जुड़ने का मौका मिलेगा जिसमें बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। तो फिलहाल बाजार एक कंसोलिडेशन मोड पे जाता हुआ नजर आएगा, झटका पिछले तीन हफ्तों का जो था उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश होगी। उम्मीद करते हैं कि दोबारा से लेवल्स जो आज लोअर लेवल्स टेस्ट हुए हैं 19,250, 19,300 ये होल्ड कर जाएं तो ये पुल बैक सस्टेन होता हुआ नजर आएगा, लेकिन हायर साइड में मामला फिर से जाके फंसेगा। कंसोलिडेशन वाली मार्केट रहेगी, इतना आसान वन वे डायरेक्शनल मूव नहीं मिल सकता है। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में तीन तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है, बिजतक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।